यूं ना उदास होके बैठे रहिए, जिंदगी एक बोर है, सूरत सा निकलते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कई सारे वीडियोस बनाए हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 प्रकार के होते हैं, माइनर मेथड और नॉर्मल मेथड और कैनोनिकल फॉर्म द्वारा निकाले जाते हैं, जिसे हम इचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर के इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके जरूर से देख लीजिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आपके समझ में आ गई तो इस थ्योरम को हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये थ्योरम थोड़ा सा बेसिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के कुछ आगे के थ्योरम्स और एग्जांपल्स के लिए, इसलिए हम लोग आज इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम को डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक और मिलेगी, एक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और दूसरी है हमारे एप्लीकेशन की लिंक। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, IMPs, नोट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, और आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मिनिमल अमाउंट में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो यदि आपको लेक्चर्स पसंद आए तो लाइक करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल बच्चों। शो दैट रैंक ऑफ ए के बराबर हमको रैंक ऑफ ए डैश बताना है, और दूसरा बताना है रैंक ऑफ ए के बराबर रैंक ऑफ ए स्टार, वेयर ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। एक ए नाम का मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया जाए और उनका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो दोनों का डिटरमिनेंट सेम आता है। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, आपको ध्यान में होगा। ए स्टार का मतलब यहाँ पे हर्मिटियन मैट्रिक्स है। हर्मिटियन मैट्रिक्स यानी क्या होता है? हर्मिटियन मैट्रिक्स काम करता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे। फॉर एग्जांपल ए नाम का एक मैट्रिक्स है, हम ए स्टार बोलेंगे ए बार का डैश। ए बार का डैश का मतलब है कंजुगेट। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे कंजुगेट निकालते हैं क्लास 11th में। ए बी माइनस आई सी, बी प्लस आई सी और डी, इसका हम ए बार निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कंजुगेट निकालेंगे तो। और अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो, तो ए बार का डैश ए के बराबर आ गया। ये दोनों मैट्रिक्स सेम हो गए, इसे हम हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं, इसे हम ए स्टार से डिनोट करते हैं। तो इसकी रैंक और ए की रैंक सेम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों मैट्रिक्स सेम है। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है तो दोनों की रैंक भी सेम है, बराबर। तो रैंक के कंसेप्ट को आप बहुत डिटेल में समझेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियसली कुछ 8-10 वीडियोस डाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, जरूर से जाके देख लीजिए, उनको अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए कंसेप्ट को। माइनर मेथड क्या होता है, माइनर मेथड के ऊपर ही आपको इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा है मैंने, अभी बच्चों को समझाया, अभी मैं ऑनलाइन में भी आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए, ए नाम का एक मैट्रिक्स है, 3-row 3-column फॉर एग्जाम्पल, उसकी 3-row 3-column का एक मैट्रिक्स है। यदि हम उसके 3-row 3-column तीनों को ले ले, तीनों रो को ले ले, और उसका ऑर्डर अगर डिटरमिनेंट निकाले, उसकी वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल 0, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर ऑर्डर 2 पे चेक करेंगे माइनर मेथड के अनुसार। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देखिए उस माइनर मेथड की वीडियो को। फिर ऑर्डर 2 में चेक करेंगे, अगर जहां अगर 3 में 0 आ रहा है, यानी कोई ना कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो वो वहां पे रैंक नहीं बनेगी। अगर 2 पे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है 1, ठीक है, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर 2 पे भी 0 है तो वो 1 पे जाएगा, ऑर्डर 1 पे जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग को रैंक निकालनी होती है, यानी कि 2 से बड़ा जितने भी होंगे, अगर 2 पे वैल्यू आ गई 1, जो कि 0 नहीं है, 0 नहीं आने चाहिए। अगर कोई 1 आती है, 2 आती है, प्लस माइनस कुछ भी आ जाती है, अगर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है तो इसके बड़े 2+1 यानी 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर जितने भी बड़े ऑर्डर से सारे वैनिश यानी 0 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी कंसेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। अगर हमारे पास लेट ए की रैंक हमारे पास आर है, तो आर अगर ए की रैंक आर है, यानी ऑर्डर 2 पे इसकी रैंक अगर आ रही है, तो 2 से बड़ा आर प्लस 1 0 होगा। तो आर प्लस 1 रो का माइनर यानी डिटरमिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो होगा, तो आर प्लस 1 मैट्रिक्स जो है उसको आर प्लस 1 जो मैट्रिक्स है, आर प्लस 1 रो का जो मैट्रिक्स है किसी ए मैट्रिक्स का, इस ए मैट्रिक्स का, उसको हम ए नॉट से डिनोट करेंगे। द इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम डज नॉट एल्टर, ये तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। अगर आप कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, और दोनों का डिटरमिनेंट निकालते तो सेम ही आता है, तो इंटरचेंज करने पे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे बोला है डज नॉट एल्टर। अब हम लोग बोलेंगे, यानी कि जो भी हमने मैट्रिक्स लिया है ए नॉट आर प्लस 1 रो का, उसका ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है ए नॉट, इसके ए नॉट के डिटरमिनेंट के बराबर होगा, और ए नॉट का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0, तो ए डैश ए नॉट के डैश की वैल्यू भी आ गई 0, यानी कि आर प्लस 1 रो का जो माइनर है
जो कि ए जो कि मैट्रिक्स है ए डैश का, ये भी वैनिश हो गया, इसका डिटरमिनेंट आ गया ज़ीरो। तो इसकी जो रैंक आएगी आर प्लस वन पे नहीं आ रही है, तो आर प्लस वन से छोटे आने कम से कम आर पे आएगी, यानी लेस देन इक्वल टू आर होगी। जैसे इसकी रैंक तीन पे नहीं आई तो टू पे आई, तो टू ये थ्री क्या है, टू प्लस वन है आपका, एक्चुअली इट इज़ अ टू प्लस वन। तो अगर टू प्लस वन यानी अगर तीन पे रैंक नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली टू पे फॉर एग्जांपल टू पे आ रही है तो टू क्या है, लेस देन इक्वल टू थ्री है ना, लेस देन इक्वल टू थ्री यानी आर प्लस वन, सॉरी लेस देन आर है तो आर प्लस वन है, कहने का मतलब है टू यानी आर पे आ रही है, तो रैंक ऑफ ए डैश इज़ लेस देन इक्वल टू आर। अब मुझे क्योंकि इसको इक्वल बताना है बच्चों, इक्वल बताने का मतलब होता है हमको या तो सेट्स के रिलेशन के अनुसार एक दूसरे के इक्वल लेस देन इक्वल टू बता दो, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, जब ये कंडीशन होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू बी। तो अगर मुझे इसको इक्वल बताना है तो दोनों को एक दूसरे के लेस देन इक्वल टू में बताना है। लेट मान के चलो इस मैट्रिक्स में से कोई एक सी नाम का मैट्रिक्स आप ले लेते हैं, कोई भी एक सी नाम का मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो सब मैट्रिक्स आप ले लेते हैं और ए की रैंक तो आपको पता है कि आर है, तो एटलीस्ट वन आर रो नॉन ज़ीरो माइनर मॉड ऑफ सी यानी कि सी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कम से कम एक एटलीस्ट की बात हो रही है, एटलीस्ट ठीक है, बड़े से बड़े की बात नहीं कर रहे हम, कम से कम आर रो एक ऐसी रो का मैट्रिक्स अपने पास का सी का अगर अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कम से कम आर रो नॉन ज़ीरो माइनस सी ऑफ ए ठीक है, एटलीस्ट वो एग्जिस्ट हो रहा है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का साइन है, मतलब कम से कम एक मैट्रिक्स आर रो का एक मैट्रिक्स है सी नाम का जिसका डिटर्मिनेंट यानी माइनर ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो ये सी जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है ठीक है। तो अगर सी का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो उसका ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, यानी सी डैश आर रो माइनर हो जाएगा ए डैश के लिए ट्रांसपोज के लिए, जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए डैश उसका ट्रांसपोज है ठीक है। तो सी अगर कोई सी एक सब मैट्रिक्स है ए का, तो सी डैश सब मैट्रिक्स हुआ ए डैश का, तो सी डैश भी आर रो माइनर है यानी सी डैश की भी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो उसकी जो ए की जो रैंक होगी उस ए इसके डिटर्मिनेंट के अनुसार चेक की जाएगी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर टू का अगर ये अपन ने मैट्रिक्स लिया है, इसकी वैल्यू आ गई वन जो कि ज़ीरो नहीं है, तो ए की रैंक कितनी हो जाएगी, टू ना कि थ्री, वही बोला है। तो ए डैश की जो रैंक है वो आर होगी, वो क्या होगी, कम से कम यानी टू होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और इससे बड़ी भी हो सकती है क्योंकि हमने एटलीस्ट बोला था, हमने ज़्यादा नहीं बोला था, तो थ्री में भी आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है ना। अभी हम लोग तो एजम्पशन लिया कि भैया तीन में डिटर्मिनेंट जीरो है तो टू में देखेंगे, टू में जीरो है तो वन में देखेंगे। आपको माइनर मेथड बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी जब आप मेरे प्रीवियस रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर के वीडियोज़ को देख लेंगे। तो इक्वेशन थ्री और इक्वेशन नंबर सिक्स से हमको क्या पता चलता है, दोनों एक दूसरे के लेस देन इक्वल टू में है, ग्रेटर देन इक्वल टू में है, ऐसी स्थिति में रैंक ऑफ ए डैश के बराबर क्या आएगा, हमारा रैंक ऑफ ए, क्योंकि आर की जो वैल्यू है, आर जो है वो किसकी रैंक है, ए की रैंक है, और दोनों स्थिति में दोनों एक दूसरे से बड़े छोटे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए डैश इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, बिकॉज आर जो है वो आपका रैंक ऑफ ए है। और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ आर। तो ऐसी स्थिति में जब ए लेस देन इक्वल टू बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग ए इक्वल टू बी लिखते हैं, उसी तरीके से रैंक ऑफ ए डैश के बराबर हम लोगों ने लिखा है रैंक ऑफ ए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो प्रूफ है बच्चों अपना कंप्लीट होता है, सेकेंड वाला प्रूफ हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेयर ए इज़ अ कोई भी एक मैट्रिक्स है और ए स्टार का मतलब है हर्मिटियन मैट्रिक्स, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो ये मैं अभी मिटाता हूँ, यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर टू को स्टार्ट करेंगे। ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये बेसिक है, आप चाहे नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, खासकर इस प्रकार के एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो बीएससी ऑनर्स में आएंगे, इंजीनियरिंग में आएंगे, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल हो गया आपका, आईआईटी जैम हो गया, इसमें तो आते ही है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, आप स्किप नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप इसको इसके प्रूफ को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, हालांकि इसका प्रूफ नहीं आता है, पर ये जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो अपन ने शो किए हैं
इनका काम हमें आगे के एग्जांपल्स को और थ्योरम्स को समझने में बहुत काम आएगा। तो आप इसे ध्यान से लिख सकते हैं। नंबर बी वाले प्रूफ को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करते हैं। दोस्तों प्रूफ नंबर टू को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्टिंग फिर से ये रहेगी, रैंक ऑफ ए अगर अपने पास आर है तो इससे आगे ऊपर अगर रैंक हमारी जहाँ पर भी आ जाती है रैंक, हमको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर के जो भी होंगे जितने भी रोज़ होंगे कोई भी एक मैट्रिक्स होता है अपना, ठीक है, ए नाम का, अगेन फिर से अगर ये थ्री रो थ्री कॉलम का मैट्रिक्स है, अगर हमारी रैंक आ रही है टू पे, टू ऑर्डर पे अगर अपनी रैंक आ रही है तो थ्री ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, ठीक है। तो आर प्लस वन जो होता है आगे जो रोज़ होती है थर्ड ऑर्डर जो होता है वो ज़ीरो होता है। आर प्लस वन रो सब मैट्रिक्स जो है यानी कि ए नॉट उसका जो डिटरमिनेंट है वो ज़ीरो है। अगेन ये जो अपन ने इसके पहले अभी समझाया कि इंटरचेंज रो और कॉलम का जो डिटरमिनेंट है वो एज इट इज़ रहता है, वैल्यू एज इट इज़ रहती है। ए इज़ नॉट ए रियल मैट्रिक्स, अगर ए रियल नहीं है तो फॉर एग्जांपल वो क्या है कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग ए स्टार की बात करेंगे यानी कि हर्मिटियन, और उसमें तो कॉम्प्लेक्स का ही काम आता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं, उसे हम ट्रांजुगेट कहते हैं, तब जाके हमको हर्मिटियन मैट्रिक्स मिलता है। तो पी प्लस आई क्यू लिया हमने इस मैट्रिक्स का ए नॉट जो है फॉर एग्जांपल इसको ले लिया पी प्लस आई क्यू, इसके बार को ले लिया पी माइनस आई क्यू। तो अगर इसका डिटरमिनेंट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें इस अल्फ़ा को, ठीक है, अगर इसका डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो है यानी इसका ए नॉट की वैल्यू यानी इसका भी जो डिटरमिनेंट ज़ीरो है तो पी प्लस आई क्यू ज़ीरो होगा, तो पी और क्यू दोनों ज़ीरो होंगे अगर ये ज़ीरो है तो इसका जो डिटरमिनेंट है इक्वेशन नंबर टू ये भी ये जो पी माइनस आई क्यू ये भी क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बार वाला ये जो बार वाली जो चीज़ है ये जो बार है, ठीक है, ए नॉट का बार इसका जो डिटरमिनेंट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। एवरी आर प्लस वन रो माइनर ए बार नॉट ऑफ ए बार इज वैनिशेस, यानी कि आर प्लस वन वाले जितने भी है जैसे आर प्लस वन रो के जितने भी सब मैट्रिक्स है फिर उस अपन ने यहाँ पे जो कंसिडर किया ये आर प्लस वन वाले सारे के सारे, इनका जो माइनर आया इनका जो डिटरमिनेंट आया वो ज़ीरो आया, तो इसलिए ज़ीरो आने का मतलब वैनिश हो गया डिटरमिनेंट, अब कोई काम का नहीं, तो उसकी जो रैंक आएगी आर प्लस वन में नहीं आएगी आर में आएगी, इसलिए लेस देन इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है आर। लेट अगेन फिर से सिमिलरली वी टेक मॉड ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ सी पी वन प्लस आई क्यू वन, इसी तरीके से ले लिया सी और सी का बार ले लिया हम लोगों ने पी वन माइनस आई क्यू। सिंस इसके पहले अभी हम लोगों ने जैसे सी नाम का सब मैट्रिक्स लिया, ठीक है, जस्ट अभी लिया था हम लोगों ने इसको मिटाने के पहले सी नाम का अपन ने यहाँ पे लिखा था और उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं आया था, तो फॉर एग्जांपल इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं है तो पी वन प्लस आई क्यू वन अगर ज़ीरो नहीं है तो इसमें से हो सकता है कि पी वन ज़ीरो ना हो क्यू वन ज़ीरो हो या फिर क्यू वन ज़ीरो ना हो पी वन ज़ीरो हो या तो दोनों ही ज़ीरो ना हो क्योंकि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो डिटरमिनेंट है सी बार का वो ज़ीरो नहीं है, वो क्या है वो ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम लोग ने लिखा है देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो आर रो माइनर सी वन, नॉन ज़ीरो आर रो माइनर, आर रो माइनर का मतलब है डिटरमिनेंट, किसी आर रो पे जैसे सेकंड ऑर्डर पे अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू वन आती है जो कि ज़ीरो नहीं है यानी माइनर, मान के चलो आर रो एक अपन ने एक हिस्सा पकड़ा है यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये वन टू ये अपने सी मैट्रिक्स ले लिया है वाला सब मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, ये आर रो है इसकी जो भी रो है टू रो टू कॉलम यानी आर रो है, ठीक है, आर रो है और इसका डिटरमिनेंट लेने पे इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं आया यही यहाँ पे लिखा है आर रो माइनर यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो ज़ीरो नहीं आया, कोई ना कोई वैल्यू आई तो उसका जो रैंक आएगी आर, ठीक है। एट देयर एग्जिस्ट इसको अपन ने सी को क्या एटलीस्ट लिया था तो कम से कम टू ऑर्डर पे भी आ सकती है थ्री पे भी आ सकती है फोर पे भी आ सकती है, फिलहाल अगर यहाँ पे आई नहीं है तो क्या हुआ अगर हम और भी मैट्रिक्स में देखे तो आ सकती है जैसे ऑर्डर नंबर ऑर्डर अगर अपन ने पूरा का पूरा थ्री रो थ्री कॉलम ऑर्डर थ्री पे इसकी कोई ना कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल टू आ गया जो कि जीरो नहीं है तो हम टू में देखेंगे क्यों, पहले ऑर्डर थ्री को चेक करते हैं फिर टू को चेक करते हैं तो थ्री को चेक करते हैं तो बराबर, तो ऑर्डर टू में जैसे आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो फॉर एग्जांपल थ्री में भी तो नहीं आ सकता ग्रेटर देन भी हो सकती है, तो मिनिमम की बात की हमने एटलीस्ट मिनिमम एटलीस्ट सी को लिया था एटलीस्ट यानी कम से कम इस पे नहीं आ रही इससे ज़्यादा पे भी नहीं आ सकती है ना। तो इस तरीके से ये कुछ कंसेप्ट होते हैं बेटा ध्यान में रखना, रैंक ऑफ ए बार इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो ऐसी दोनों स्थिति में यहाँ पे हम लोगों ने किया रैंक ऑफ ए बार इज़ लेस देन इक्वल टू आर रखा और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आर रखा, तो रैंक ऑफ ए बार इक्वल टू आर यानी रैंक ऑफ ए
अगर हम इसका डैश ले लेंगे, क्योंकि रैंक तो अल्टर करती ही नहीं है, आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे और फिर आप रैंक निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ये और ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं, इनकी रैंक तो सेम ही रहेगी। तो ए बार का अगर मैंने इसको डैश लगा दिया तो यहाँ पे भी डैश लगाऊंगा, और ए बार का डैश यानी ए स्टार यानी कि हर्मिटियन मैट्रिक्स की जो रैंक है ए डैश यानी ट्रांसपोज के बराबर, यानी कि ए नाम के मैट्रिक्स के बराबर होती है। ये एक जनरल प्रूफ है बच्चों, आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा समझना है। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्ट्राइक मारेगा, जब आप माइनर मेथड के सारे मैट्रिसेस के रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के सारे एग्जांपल्स को देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपको वैसे नहीं मैं दे पाया, आपको नहीं दिखाई देता है, तो आप ऑब्वियसली हमारी मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग ने इस इम्पॉर्टेंट प्रूफ को डिस्कस किया। यहाँ पे ये दोनों आपके एज अ फार्मूला समझ लो, रिमार्क समझ लो, नोट समझ लो, इनका काम आगे आपको आएगा, इसको बस ध्यान में रखना है हम लोगों को आगे के एग्जांपल्स को देखने के लिए, थ्योरम्स को देखने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए एग्जांपल्स के साथ, नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।